Hey guys, आज की इस क्लास में हम आपको पूरे तरीके से पैंट को गुम कैसे किया जाता है वो सिखाएंगे। गुम मतलब इनके पैंट मोहरी किस तरीके से गुम करनी है, बेल्ट किस तरीके से गुम करनी है, बेल्ट और इलास्टिक, इसमें ही हम आपको जिप लगाना और हुकाई लगाना भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने पैंट की कटिंग कर ली है प्रॉपर तरीके से, इनर वाली पैंट है ये, तो हम इसमें आपको सभी तरीके से गुम करना सिखाएंगे, यानी कि आसन को भी कैसे गुम किया जाता है, बेल्ट कैसे गुम की जाती है, जिप लगाना बताएंगे, ऊपर से बेल्ट एंड इलास्टिक सारी चीजें। तो पहले आसन को गुम करते हैं कि हमने आसन को गुम कैसे करना है। ये देखिए, हमने दोनों मेन फैब्रिक और दोनों इनर वाले फैब्रिक एक साथ रखे हुए, कि जो अंदर की तरफ है आपका ये हिस्सा, ये सीधा होना चाहिए और ये डबल सिलाई लगानी कंपलसरी है, तो हम डबल सिलाई इसके ऊपर लगा लेंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे, इनके हमने गुम करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे, हम कच्ची सिलाई किस तरीके से लगाते हैं, जैसे हमने कुर्ती पे बताया था, यानी कि साइड में इस तरीके से चेक करते हुए। अगर बाय चांस इसमें पॉकेट या फिर जिप नहीं लगानी होती तो हम साइड भी गुम कर देते, दोनों साइडें हमारी गुम हो जाती यहाँ से भी। अगर बाय चांस इसमें पॉकेट या फिर जिप नहीं लगानी होती तो हम साइड भी गुम कर देते, दोनों साइडें हमारी गुम हो जाती, लूज नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारे धुलने के बाद भी ये श्रिंक हो जाता है बाद में, तो ये लूज रह जाए मेन फैब्रिक में। कई बार जैसे कि ऐसा फैब्रिक आता है पैंट का, जिसको सेंटून में भी हम यूज कर सकते हैं ये तरीका, कि उसका जो ये ऊपर वाला फैब्रिक है मेन फैब्रिक, ये ज्यादा ही लटकता है। उसमें क्या होता है, इनर आपका छोटा रह जाता है और ये जो मेन फैब्रिक होता है यहाँ पे आके नीचे जो हमारे आगे की तरफ ऐसे लटक जाता है, इनके मेन फैब्रिक, उसमें आप क्या करोगे, इनर को अलग से फोल्ड करोगे और मोहरी वाले फैब्रिक को अलग से फोल्ड करोगे। ऐसा फैब्रिक जब भी आपको यूं दिखे इसमें बहुत ही लर्जपन है, तो उसको अलग अलग स्टिच करोगे, एक साथ नहीं। अब ये तो इन्होंने थोड़ा हा छोटा कट कर लिया इनर, बाकी करना नहीं चाहिए। फिर हम उसमें क्या देखते हैं, जो अब हम यहां से भी एक अच्छी सिलाई एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, जैसे कि कच्ची सिलाई हम नॉर्मली ऐसे ही लगाते हैं। अब ये देखिए, वो तो हमने आपको दिखाया कि गुम किस तरीके से किया जाता है, लेकिन अगर आपने आसन को गुम ना करना हो तो इस तरीके से एक बार कच्चा कर लोगे पहले। डबल सिलाई लगाना बिल्कुल कंपलसरी है। अब यहाँ से हम ऊपर से, हमने अगर 1.5 इंच लिया है या 1 इंच ही लिया है, तो उसी तरीके से हमने इसको दबा लेना है यहाँ। यहाँ पे हमने एंड कर दिया। अब हमने जो सिंपल पैंट आपको बताई थी उसमें हमने क्या किया था, यहाँ से ही बेल्ट लगाई थी और बस ऐसे ही फोल्ड कर दिया था, ठीक है। तो इसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही करेंगे, लेकिन इसको हमने पूरे तरीके से गुम करना है। अब हम यहाँ पे पहले पॉकेट लगा लेते हैं। पॉकेट आप सबको वैसे लगानी आती है, फिर भी एक बार दोबारा से समझाते हैं। ये हमने पॉकेट कट की हुई है, अब हम इसको अपोजिट तरफ पलटेंगे। छोटे छोटे चाहो तो कट लगा सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेट ही हिस्सा है, इसमें इतने जरूरी नहीं है। यहाँ से हम इस तरीके से सीधी तरफ टर्न करेंगे और एक पक्के सिलाई लगा लेते हैं। हमारी पॉकेट तैयार हो चुकी है, फिर से फ्रंट हिस्से को उठाएंगे यहां से,
ये हमारा एक तरफ से जैसे कि फ्रंट में हमारी जो पॉकेट लगती है, अगर हमने सिंगल ही लगानी है तो वो राइट हैंड की तरफ लगती है, यानी कि इस तरफ। अगर आपने दोनों तरफ लगानी फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। करो किसी भी तरफ आपने नीडल को अंदर की तरफ ही रखना है। अब हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कट लगाएंगे बिल्कुल कोने में, आपने बाहर नहीं लगाना। सिलाई हमारी कहाँ पे लगी है, यहाँ पे हमने कट इसके अंदर लगाने हैं। यहाँ पे भी एक कट लगा लेते हैं। पॉकेट का होल हो गया, अब हमने पॉकेट को सीधा करना है। अब तक हम एक ही पीस को उठा रहे थे, इनके पॉकेट के सिर्फ एक सिरे को पकड़ा हुआ था हमने, अब दोनों सिरे हमने पकड़ने इस तरीके से और यहां से इसको बिल्कुल सीधा करना है। जब आप इसको सीधा कर रहे हो आपके जो ये हिस्सा है बाहर भी निकल सकता है। बैक पार्ट इसके साथ अटैच करेंगे। यहां से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं। एक साइड से हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है जहां पे हमने पॉकेट लगाई है, अब हम लगाते हैं जिप। अब हमें सिंगल फुट लगाने की नीड पड़ेगी, अब हम सिंगल फुट लगाएंगे उसके बाद जिप को फिनिशिंग से लगा। हमने इस पट्टी पे ये जिप लगा ली है एक साइड से, तो अब हम तो हमारी जिप कुछ इस तरीके से लग के आ जाएगी। अब जैसे कि आपको और भी ज्यादा फिनिशिंग चाहिए करेंगे, यहां से हमने रखी हुई है। अब जैसे कि जब बंद कर रखा है तो आप देख पा रहे हो, तो आपकी जिप का जो फेस है यानी कि ये पट्टी है जो आपकी बाहर की तरफ आएगी।
इसको बंद करेंगे, दोनों तरफ हमारी जिप लग चुकी है, तो इसको हम यहाँ से बंद कर लेते। तो हम थोड़ा नीचे से एक बार सीधी सिलाई लगा के आ जाते हैं, फिर इसको पलटते हुए इसके साथ में सिलाई लगाएंगे। अगर इस तरफ का सिंगल फुट हो तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। इस जिप को साइड में कर लेंगे और यहाँ से बिल्कुल सीधी सिलाई लगाते चलेंगे। हमने इस सिलाई को लॉक किया और यहां से थ्रेड को एक बार कट कर देते हैं। तो इस पट्टी को हमने इस तरफ करके रखना है जब हम ये सिलाई लगाएं। यहां तक जैसे ही हम पहुंच गए हैं जो हमने टर्न करना है, अब हम क्या करेंगे, जो नीचे की तरफ हमने फैब्रिक को इस तरफ किया था, इस पट्टी को यहां से लॉक करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे, इनके इधर, और यहां से भी इसको लॉक कर देंगे। समझ आ गई सबको? यह बहुत ही हैवी हो गया, नींद आने लगी होगी, बोरिंग सिस्टम हो गया बहुत। तो हे गाइस, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। पसंद आई है तो लाइक में अपना प्यार दिखाइए और इसको शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाइए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है, यानी कि आपको हमसे जुड़े रहना है, तो प्ले स्टोर पे जाइए, हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है टैलेंटेड रितु इंसा। और अगर आपको लाइफ टाइम के लिए क्लासेस चाहिए या फिर किसी भी ड्रेस की स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप ऐप से बिल्कुल ले सकते हो। फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप जो ये नंबर देख रहे हो इन पे कॉल करके डिटेल ले सकते हो। थैंक यू।